सो गुड मॉर्निंग एवरी वन एंड आई वेलकम यू ऑल्सो सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल पे। अगर आप सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर से जुड़ें। स्टार्ट करते हैं आज के जो टॉपिक्स हैं। फर्स्ट इज़ अबाउट द एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में, देन वी विल डिस्कस अबाउट PMI, देन कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, द गाम्बिया, पृथ्वी प्रोग्राम और मैरिटाइम सिक्योरिटी, और फिर ऐसे का टॉपिक जो है वो रहेगा। तो ये जो टॉपिक है दिस इज़ लिंक्ड विद साइंस, दिस इज़ लिंक्ड विद इकोनॉमी, और ये भी टॉपिक आपका इकोनॉमी से ही रिलेटेड है। द गाम्बिया जोग्राफी का टॉपिक है, मैपिंग का देखेंगे। पृथ्वी साइंस का टॉपिक है। मैरिटाइम सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट टॉपिक है GS पेपर 3 के अंदर। अब इसमें देखो रेड सी के अंदर जो डेवलपमेंट हुए हैं उस कंटेक्स्ट में सरकार ने क्या कदम उठाए मैरिटाइम सिक्योरिटी के कंटेक्स्ट में, एक अच्छा प्रश्न इसमें फ्रेम हो सकता है। सो वी विल डिस्कस अबाउट इट इन ग्रेट डिटेल। ऐसे का टॉपिक जो महीने के एंड में मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, तो सॉरी वीक के एंड में, एक वीक में ऐसा टॉपिक रहता है, तो लिखने की आदत डालो। देखो डार्कनेस कैन नॉट ड्राइव आउट डार्कनेस, ओनली लाइट कैन डू दैट। हेट कैन नॉट ड्राइव आउट हेट, ओनली लव कैन डू दैट। बहुत बैलेंस होकर लिखना पड़ेगा, 1000 शब्द में लिखना है। सौरभ पांडे UPSC टेलीग्राम चैनल पर आप अपने आंसर को पोस्ट कर सकते हैं, उसमें मैंने पूरा प्रैक्टिस सेट डाल दिया। फ्री प्रैक्टिस सेट जो है वो आप लोग सौरभ पांडे UPSC टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब फ्री प्रैक्टिस जो आंसर राइटिंग के कंपाइलेशंस हैं वो डाल दिए हैं, तो उसको आप लोग गो थ्रू हो जाना, मतलब उसको डाउनलोड करके और अपना प्रैक्टिस करते रहना। ठीक, कोई क्वेरी है तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। अभी मैं इस फ़ोन को एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ एक बार, क्योंकि आज मैं ट्रैवल करूँगा और आई विल रीच टू जयपुर। तो इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर देना, फिर आफ्टर रीचिंग मंडे को आपको सारे जो रिप्लायल हैं वो आपको मिल जाएंगे। सौरभ पांडे UPSC वेबसाइट आप लोग विजिट कर सकते हैं, और कल आपका टेस्ट है एडवांस करंट अफेयर्स का, 12वां टेस्ट है, 12th टेस्ट है, तो उसको मिस नहीं करना है, उसको मिस नहीं करना है। 12th जो टेस्ट है वो आपका शेड्यूल्ड है, 50% का ऑफ भी है, तो इसको आप लोग ज्वाइन कर लेना, टेस्ट जरूर से अटेम्प्ट करना है। टोटल 11 टेस्ट हमारे हो चुके हैं और 12वां टेस्ट कल शेड्यूल्ड है, तो ये मिस नहीं करना है। इसमें से टोटल 50 टेस्ट जैसे मैंने आपको बताया है। मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए सारा मेल मैंने भेज दिया है, जितने लोगों ने, जो मैं डिटेल आपको बाद में बता दूंगा, तो मेल आपको ऑलरेडी भेजा जा चुका है कि कैसे हम लोग 10 तारीख से प्रोसीड करेंगे, क्या क्या सोर्सेस जो है आपको फॉलो करना है, और किन चीज़ों को मैं कवर करूँगा। तो बहुत सारी चीज़ें मेरे द्वारा कवर होंगी, कहाँ से कवर होंगी वो भी मैंने उसमें हाईलाइट कर दिया है। तो उसमें कुछ बुक्स को रिकमेंड किया है उनको करना, और जो चीज़ें मैं कवर करूँगा वो रहेगा, आपको टारगेट मिलेगा, ये सब मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए रहेगा। एग्रीकल्चर ऑप्शनल की भी क्लास कल होगी एक, तो ये जो बैच 2 है इसका हिस्सा बने, इसका प्राइस लेस देन 8000 रुपीज़ है। दोनों पेपर आप लोग कवर कर सकते हैं, और जो अभी सोच रहे हैं करेंगे, और जो भी थिंकिंग हो उसको कोई क्वेरी है तो आप मुझे बता सकते हैं। ये आपका एडवांस करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज, टोटल 50% जो है इसमें आपका आज ऑफ है, तो इसको आप लोग ज्वाइन कर लेना। टोटल 50% ऑफ, मतलब टोटल 50 टेस्ट हैं, 12th टेस्ट आपका शेड्यूल्ड है इस संडे को। इसमें रिवीजन PDF भी आपको मिलना जो है शुरू हो जाएगा, रिवीजन PDF, बट आप लोग टेस्ट दें पहले, ये इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, एंड दिस इज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के ऊपर है ये, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो यहाँ पर अगर देखा जाए, वेन यू टॉक अबाउट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, देखो क्या है, इट्स एन एबिलिटी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जैसे मान लो कोई दवा दी जाती है, कोई दवा जो जैसे एंटीबायोटिक्स, कभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम एंटीबायोटिक्स जो है डॉक्टर हमें दे देते हैं। जनरली हम ये सोचते हैं कि यार कोई दवा है और तुरंत हमें रिलीफ चाहिए होता है, जैसे अगर कोई कुछ भी बीमारी है तो तुरंत रिलीफ चाहिए होता है। अगर सपोज़ करो थोड़ा सा 3-4 दिन लग गए तो हम वी विल से डॉक्टर सही नहीं है, तो डॉक्टर्स भी अपने इस रेपुटेशन को बचाने के लिए दे सब तुरंत वो भी एंटीबायोटिक्स दे देते हैं। और इस वजह से क्या है, बिकॉज ऑफ द ओवर यूज़, मिस यूज़ और जो भी है, काफ़ी अधिक जो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल होता है, इसकी वजह से जो जो बैक्टीरियाज होंगे या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, फिर उनको कोई भी असर नहीं पड़ता। या फ्यूचर के अंदर जब हम उस दवा को खाते हैं तो फ्यूचर के अंदर उसको असर नहीं पड़ता, बिकॉज रेजिस्टेंस ऑलरेडी डेवलप जो है वो हो जाता है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे एंटी बैक्टीरियल्स है, एंटीबायोटिक्स अगेंस्ट बैक्टीरिया, एंटी वायरल्स है अगेंस्ट वायरस, एंटी फंगल्स है। तो ये दवाइयाँ हैं स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए जो कि एंटी माइक्रोबियल में आती है। तो एंटी माइक्रोबियल में बैक्टीरिया भी, एंटी बैक्टीरियल भी आ सकता है, वायरस के खिलाफ एंटी वायरस भी हो सकता है, फंगस के खिलाफ एंटी फंगल भी हो सकता है, अलग अलग है। और जब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर रेजिस्टेंस डेवलप हो जाए इन माइक्रो ऑर्गेनिजम से रिलेटेड, तो फिर वो हम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस शब्द उसके लिए
इस्तेमाल जो है वो करते हैं, और ये एक बहुत मैटर ऑफ कंसर्न है, क्योंकि जितना भी रिसर्च डेवलपमेंट आपका होगा, जितना भी हमने रिसर्च डेवलपमेंट किया है, और उस रिसर्च डेवलपमेंट में जो भी दवाइयाँ हमने बनाई हैं, तो उन दवाइयों को कोई असर ही नहीं होगा, बिकॉज जो भी बैक्टीरिया और वायरस है या फंगस है, दे हैव डेवलप रेजिस्टेंस, दे हैव डेवलप रेजिस्टेंस। सो दिस मल्टी सेंट्रिक पॉइंट प्रेवलेंस सर्वे एंटीबायोटिक्स का, उसमें कहा गया 70% जो पेशेंट हैं टर्शरी केयर में, जो एडवांस हॉस्पिटल्स होते हैं जैसे एम्स और ये, अक्रॉस 15 स्टेट और टू यूनियन टेरिटरी, उन्हें एंटीबायोटिक्स दिए गए, और 50% जो एंटीबायोटिक्स आपके हैं प्रेस्क्राइब्ड हैव अ पोटेंशियल टू कॉज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। मतलब जितना दिया गया उसमें 50% आपका इट कैन कॉज रेजिस्टेंस, मतलब इट इट कैन कॉज लाइक इट हैज़ द पोटेंशियल टू कॉज माई एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। आप खुद इमेजिन करो कि ये एक कितना ह्यूज मैटर ऑफ कंसर्न है, बिकॉज क्योंकि अगर आप देख सकते हो कि अगर एक ऐसा बैक्टीरिया, वायरस या फंगाई डेवलप हो जाता है जो कि जिसके अंदर रेजिस्टेंस हो गया, और यही बैक्टीरिया से फर्दर बीमार लोगों को करना स्टार्ट कर देगा, तो दवा का फिर जो भी ऐसे बैक्टीरिया से इन्फेक्ट होंगे, दवा का उन पर कोई भी असर आपका नहीं है। 55% जो पेशेंट सर्वे हैं देवा प्रेस्क्राइब एंटीबायोटिक्स एज प्रोफाइलेक्सिस, इट मीन्स प्रिवेंटिव के रूप में, प्रिवेंटिव। 45% जो है उन्हें इन्फेक्शंस ट्रीटमेंट के लिए दिया गया, 6% जो है स्पेसिफिक बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के बाद दिया गया। तो देखो ये सारा डेटा तो याद नहीं रखना, बस ये आपको समझना है कि जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है वो एक बहुत ही, या एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक बहुत ही मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न आपका बन जाता है। एंड कई प्रकार की, जैसे हम एनिमल हस्बेंड्री, जो लाइफ स्टॉक से रिलेटेड, जैसे जानवरों को कि उनका दूध ज़्यादा हो, तो उस पर भी हम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, या कोई दवाइयों का हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे ज़्यादा, जैसे मुर्गी पालन कर रहे हैं तो ज़्यादा वो मोटा हो, तो उसके लिए भी हम दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। फिर हम उस जो मिल्क है उसको हम कंज्यूम करेंगे, उस पोल्ट्री का हम कंजम्पशन करेंगे, तो उससे भी ये कई प्रकार की ऐसी जो दवाएं हैं हमारे शरीर के अंदर जाती हैं, और इससे भी धीरे धीरे अगर मौजूद जो बैक्टीरिया है उसके अंदर भी हमारा रेजिस्टेंस डेवलप होगा। तो मिसयूज और ओवर यूज़ कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबल है, एंड इट हैज़ अ ग्रेट चैलेंज एज अ वेल। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात किया जाए तो बैक्टीरियल एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस वॉज डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल फॉर 1.27 मिलियन ग्लोबल डेथ। आप इमेजिन कर सकते हो, देखो पता नहीं चलता, जैसे सपोज करो कि कोई बीमारी हो गई, अब उस बीमारी में वो बीमारी का तो कॉज क्या होगा, कोई बैक्टीरिया वायरस ही होगा, लेकिन ऐसे जो वायरस बैक्टीरिया होंगे, जो वायरस हैं या जो बैक्टीरिया हैं, माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर 1.27 मिलियन ग्लोबल डेथ। अब कैसे ये स्थिति बनती है, क्यों ये डेथ कॉज होती है, इसके पीछे क्या रीज़न है, इतना डेथ जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है उसके लिए अगर देखा जाए तो बैक्टीरिया है, वायरस है, जो शरीर को हमारे इन्फेक्ट कहीं ना कहीं करेगा। और क्योंकि ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनमें, या वायरस या फंगस ऐसे होते हैं जिन पे कोई दवा का असर नहीं होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट फिर वो इन्फेक्शन बढ़ता जाता है, और उसकी वजह से जो डेथ है वो रिस्पॉन्सिबल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब डेथ जो है वो कॉज हो सकती है। 2019 का ही डेटा है, एंड इट हैज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू 4.95 मिलियन डेथ्स। तो ये बहुत ही मैटर ऑफ कंसर्न है, और इवन बहुत सारी जो हमारी आज के समय में दवाइयाँ, मेडिकल प्रोसीजर्स, ट्रीटमेंट हम डेवलप करते हैं, उस पर भी बदलाव लाना पड़ेगा। जैसे कोई भी कंपनीज होती हैं, वो कंपनीज बहुत रिसर्च डेवलपमेंट पर फोकस करती हैं, एंड आफ्टर दैट रिसर्च और डेवलपमेंट के बाद ही वो नई मेडिसिन बनाती हैं। बट अब नई मेडिसिन के प्रति अगर रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा तो फिर आपको दोबारा से नई मेडिसिन बनानी पड़ेगी। तो इस पे बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि बहुत अधिक फिर खर्चा भी इंक्रीज होगा, रिसर्च डेवलपमेंट में काफ़ी अधिक जो खर्चा है वो भी इंक्रीज होगा। तो ज़रूरी है कि रैशनल प्रिस्क्रिप्शन हो, ओवर यूज़ जो है दवाइयों का उसको कम किया जा सके, एंड लाइक अर्जेंट मेजर्स आर रिक्वायर्ड टू डेवलप न्यू ड्रग कैंडिडेट एंड मोर इक्विटेबल एक्सेस टू देम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जैसे मान लो कहीं पर एंटीबायोटिक्स का बहुत ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी, अब हर जगह बहुत आसानी से अवेलेबल है, तो हर बात में एंटीबायोटिक्स का रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो मतलब हर बात में एंटीबायोटिक्स जो है दे दी जाएगी, प्रिस्क्राइब कर दी जाएगी, इससे रेजिस्टेंस पड़ेगा, ये एक बहुत सोचने वाली बात है। अब कई जगह पर होगा कि वो दवाइयाँ अवेलेबल ही नहीं, तो जहाँ चाहिए है वहाँ अवेलेबल नहीं है, जहाँ पे कम चाहिए वहाँ बहुत ज़्यादा है, और इस वजह से बहुत ज़्यादा दी जा रही है। तो एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर्स और गवर्नमेंट का एक रोल बहुत मैटर करता है, पेशेंट्स के अंदर भी अवेयरनेस होना चाहिए, क्योंकि
पेशेंट का भी एक बिहेवियर बहुत मैटर करता है। जैसे जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि किसी डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर उन्होंने कहा कि ठीक है आप ये दवा खाइए, 3-4 दिन का समय लगेगा, और खाते ही तुरंत पानी पीते ही दवा डाली मुंह में और पानी पिया और मन में तुरंत आ गया अभी मेरा ठीक हो गया। तो ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा वेट करना चाहिए 3-4 दिन, फिर उसके बाद हम ठीक होते हैं। तो लेकिन अगर मान लो ऐसे स्थिति बनेगी तो हमारे मन में तुरंत पहले यही आ जाएगा कि यार ये डॉक्टर सही नहीं है, इट्स बेटर हम जो है किसी और के जाएं। तो डॉक्टर भी अपने रेपुटेशन के लिए फिर वो आपको एंटीबायोटिक्स दे देते हैं कि भाई आप तुरंत ठीक हो जाओ, लेकिन इससे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है वो डेवलप हो रहा है। तो पेशेंट का अवेयरनेस होना भी बहुत ज़रूरी है, उसके बाद डॉक्टर और गवर्नमेंट का तो एक इंपॉर्टेंट रोल बन ही जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, दिसंबर PMI सिग्नल सर्विस एक्टिविटी रिबाउंड टू द 3 मंथ्स हाई। यदि कोई डेटा चेंज होता रहता है हमारे लिए थोड़ा सा जानना क्या है, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स क्या है, ये इकोनॉमी का टॉपिक आपका बन जाता है, दिस इज लिंक्ड विथ इकोनॉमी। तो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स क्या है, इट्स मेजर ऑफ अ प्रिवेलिंग डायरेक्शन ऑफ इकोनॉमिक ट्रेंड्स इन मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में किस तरीके से आर्थिक लेवल पे डेवलपमेंट हो रहा है उस ट्रेंड को मेजर करना। ये क्या है, इट इज़ बेस्ड ऑन सप्लाई सर्वे ऑफ मंथली सर्वे ऑफ सप्लाई चेन मैनेजर अक्रॉस 19 इंडस्ट्री, 19 इंडस्ट्रीज इनमें इन्वॉल्व हैं। सप्लाई चेन मैनेजर्स या जो मंथली सर्वे सर्वे है जैसे अगर सपोज करो कोई भी प्रोडक्ट है उसकी डिमांड है, तो बेस्ड ऑन कैसे चीज़ों का सप्लाई हो रहा है प्रोडक्शन से रिलेटेड, या जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है उसका जो सप्लाई हो रहा है उस बेसिस में डिमांड का हमें काफ़ी हद तक पता चल जाएगा। सो वैल्यू एंड द मूवमेंट इन PMI एंड कंपोनेंट कैन प्रोवाइड अस इनसाइट। जो भी बिजनेस डिसीजन मेकर्स हैं, मार्केट एनालिस्ट हैं या इन्वेस्टर्स हैं, उनको वो उस जो भी मूवमेंट है प्रोडक्ट का, फिनिश्ड प्रोडक्ट का या प्रोडक्शन, उस बेसिस में हमें काफ़ी सारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी उसकी जानकारी मिल जाएगी। सो हेडलाइन PMI का जो नंबर है जो देखा जाता है दैट इज़ 0 to 100। अगर PMI की वैल्यू 50 के ऊपर है तो इसे हम एक्सपेंशन कहते हैं, अबव 50 रिप्रेजेंट्स एन एक्सपेंशन, और अगर अंडर 50 है इट रिप्रेजेंट्स अ कॉन्ट्रैक्शन। मतलब जब हम देखते हैं कि सपोज करो कि मंथ ऑफ दिसंबर है, इसमें अगर वैल्यू 50 से ज़्यादा है तो हम ये कहेंगे कि नवंबर से जो है ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी आपकी हो रही है। अगर सपोज करो 50 से कम है तो इसका अपोजिट होगा। ये इसका फॉर्मूला फॉर्मूला याद नहीं रखना है, बट एक कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, CCI प्रूफ्स डिलीवरी फॉर्म्स फॉर कोलूजन्स। तो ये एक टॉपिक आपका बन जाता है। तो यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए हम लोग जो डिस्कस करेंगे दैट इज कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये GS पेपर 1 का टॉपिक है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। आज अगर आप देखोगे तो वो भी बहुत ही जनरल आर्टिकल आए हैं आपके एडिटोरियल्स एडिटोरियल के अंदर, और पॉलिटिकल उनका ज़्यादा थोड़ा सा इंक्लिनेशन है। तो इट्स बेटर कि ऐसे टॉपिक्स हमें अवॉइड करते रहना चाहिए। अभी जो भी अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है दैट वी आर कवरिंग। सो ये कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया की बात की जाएगी, तो कॉम्पिटिशन एक्ट था 2002 का, ये पास किया गया था बाय द पार्लियामेंट इन द ईयर 2002, एंड प्रेसिडेंट का जो असेंट है वो 2003 का। देखो जनरली क्या है कि मार्केट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो भी आपके लाइक फॉर एग्जांपल कंपटीशन की बात की जाए, जो फिजिकल सेंस में अगर देखा जाए, जैसे सपोज करो कोई जगह है और वहाँ पे दो तीन दुकान वालों ने ही बना लिया कि हम जो है हम ही उस प्रोडक्ट से रिलेटेड चीज़ों को बेचेंगे और साथ में मिलके अनफेयर प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन फेयर नहीं होगा। बड़े लेवल पे बड़ी बड़ी चीज़ बड़ी बड़ी कंपनियाँ भी ऐसे कर सकते हैं, या डिजिटल आज प्लेटफॉर्म ई कॉमर्स में भी सेम सी चीज़ देखने को मिलती है कि वो कोशिश करेंगे कि नए प्लेयर्स अराइज ना हो, आपस में काफ़ी ऐसा मर्जिंग कर लेंगे, जो कि जो मार्केट है मार्केट के अंदर फेयर कॉम्पिटिशन को अफेक्ट करता है। तो इसको देखने के लिए, इस पर नज़र रखने के लिए एक आपके पास बॉडी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसका गठन कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के तहत हुआ था। प्रेसिडेंट असेंट जो है जनवरी 2003 के अंदर आपका मिला था, फिर इसको थोड़े से चेंजेस भी किए गए थे 2007 के अंदर, एंड इसमें आपका कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया, कंपटीशन अपेलेंट ट्रिब्यूनल का गठन किया गया। मतलब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कोई जजमेंट दिया गया, मतलब जो भी डिसीजन दिया गया उसके खिलाफ आप कंपटीशन अपेलेंट ट्रिब्यूनल पे जो है अपील कर सकते हैं। अभी आपके पास 6 टोटल इस पर चेयरपर्सन एंड 6 मेंबर्स हैं। जो भी एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट्स हैं उन पे नज़र रखा जाता है, अपनी कोई डोमिनेंट पोजीशन का गलत इस्तेमाल ना करें, अब्यूस ऑफ डोमिनेंट पोजीशन ना ऐसा रहे, तो ये भी एक चीज़ देखी जाती है। ये भी आपका अवेयर नोटिफाइड ऑन May 20, 2009 के अंदर ये चीज़ भी आपकी हाईलाइट की गई थी कि एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट एंड अब्यूस ऑफ डोमिनेंट पोजिशन वर नोटिफाइड ऑन May 20, 2009। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ बिन इस्टेब्लिश्ड एज पर द एक्ट 2002 का जो एक्ट है। अब हर तरीके की जैसे कोई भी ऐसी चीज़ जो कि कॉम्पिटिशन को अफेक्ट कर सकती है नेगेटिवली, उसका खात्मा
करना, कंपटीशन अच्छे तरीके से हो, जो कंज्यूमर है उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके, फ्रीडम ऑफ ट्रेड जो है वो आपका बना रहे, तो ये सब कुछ आप कह सकते हैं कि दैट इज़ बेसिकली इस एक्ट के अंदर मेंशनड है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इस पर नज़र भी जो है रखती है। कंपटीशन इज़ ऑल्सो मैंडेटेड टू गिव इट्स ओपिनियन ऑन कंपटीशन इशू टू गवर्नमेंट और स्टेटरी अथॉरिटी एंड टू अंडरटेक कंपटीशन एडवोकेसी फॉर द क्रिएटिंग अवेयरनेस ऑफ द कंपटीशन लॉ, मतलब अवेयरनेस जनरेट करने से रिलेटेड है, एंड ऑल्सो टू डेवलप ओपिनियन ऑन कंपटीशन इशूज टू गवर्नमेंट और स्टेटरी अथॉरिटीज़। मतलब जैसे मान लो ओपिनियन प्रोवाइड करना, जैसे सरकार ने किसी इशू से रिलेटेड, कंपटीशन से रिलेटेड है अगर कोई ऐसा इशू है तो उस पर जानकारी प्रोवाइड करना, या जो ओपिनियन है दैट कैन ऑल्सो बी प्रोवाइडेड। नेक्स्ट देखते हैं, गाम्बिया के ऊपर है ये, सीक जस्टिस फॉर अब्यूज बाय जमेह रिजिम। अच्छा, प्रिलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम का जो मेल है वो मैंने फॉरवर्ड सबको कल कर दिया है, जिसमें मैंने आपको कहा था कि मेल फॉरवर्ड हो जाएगा। 10 तारीख को आपको टारगेट मिलेंगे और शनिवार को जो नेक्स्ट रहेगा उस पर हम लोग उसको रिव्यू करेंगे। एक लिंक मैं आपसे शेयर करूंगा जिसमें आपको ज्वाइन करना है और अपनी पढ़ाई करनी है उस टारगेट के बेसिस में। हम सभी लोग जो है एक स्पेसिफिक सोर्सेस को ही फॉलो करते हुए प्रोसीड करेंगे प्रीलिम्स 2024 के लिए, ठीक है, जो सोर्सेस मैंने बता रखे हैं। और उसमें मैंने ये भी हाईलाइट किया है मेल में, अगर आप देखोगे कि किन किन चीज़ों को मैं खुद कवर करूंगा, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किन चीज़ों को मैं यूट्यूब में कवर करूंगा वो भी मैंने मेंशन कर दिया है, जैसे एंशियंट इंडिया में डाइवल और इनसे रिलेटेड है, पॉलिटी है, सारा यूट्यूब में फ्री क्लासेस होंगी। कौन सी क्लासेस ऐप के अंदर होंगी जहाँ पे डेडिकेटेड थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट लगता है, तो वहाँ वो ऐप के अंदर कौन सी होंगी वो मैंने आपको हाईलाइट कर दिया, और किन चीज़ों को हमें सिर्फ किताबों से पढ़ना है वो मैंने आपको हाईलाइट कर दिया। तो पूरी इन्फॉर्मेशन जो मेल है वो मैंने फॉरवर्ड आपको कर दी, हर चीज़ की सोर्स मैंने फॉरवर्ड कर दी, सिर्फ उन्हीं को करना है। और जो है जैसे मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर मैं कोई किताब उठा ली, मान लो हमने 15 तारीख को प्लान किया कि चलो एक किताब उठाई जाती है पॉलिटी की, और जैसे ही मैंने क्लास यूट्यूब में ली उसी को कंटेंट को लिया फटाफट वहीं पे जब लाइव क्लास शेड्यूल हुई और ऐप के अंदर, और हमने उसी को बैठ के रिवाइज कर लिया। इस तरीके से हम प्रोसीड करेंगे कि उन सोर्सेस में एकदम हर चीज़ आपको क्लियर रहे। तो ये लगभग काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन है। और मुझे अभी अभी भी है कि जो मैंने मेल सेंड किया हुआ, अराउंड 70% स्टूडेंट्स ने ही मेल किया है मुझे, 30% जो बचे हुए हैं वो एटलीस्ट आज जो मेल मैं आईडी आपको प्रोवाइड करूँगा, आप मुझे मेल करें, जो भी इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी गई है उसको आप मेल करें मुझे, जिससे कि आसानी रहेगी, ठीक है। और फिर हम लोग कार्य भी इस डायरेक्शन में कर पाएंगे प्रीलिम्स स्पेसिफिक, ठीक है, क्योंकि मेरी एक जिम्मेदारी बन गई है एक मेंटरशिप के रूप में जो आपको के लिए कार्य करना है एटलीस्ट 2024 के लिए। प्रीलिम्स में हम लोग इस पर पूरा टारगेट और फोकस्ड रहेंगे, आप भी मेहनत करो, मेरे द्वारा भी मेहनत की जाएगी, जिससे कि प्रीलिम्स की जो सक्सेस है वो आपका जरूर से रहे। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे टॉपिक एक है आपका गाम्बिया फॉर अब्यूज बाय जमेह रिजिम, ये ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमें थोड़ा, जैसे मैंने कहा कि मैपिंग, कल भी मैंने अच्छी मैपिंग के टॉपिक्स कवर किए थे, आज भी देखो ये गाम्बिया के ऊपर ये काफ़ी न्यूज़ में चल रही है देश, तो ये अफ्रीका, ये गाम्बिया देश है, ये साउथ अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है, अरेबियन सी है, इंडियन ओशन है, ये गाम्बिया है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये द गाम्बिया है, ये अगर आप देखोगे ये गाम्बिया है, यहाँ पे ये जैसे द गाम्बिया, उसके अलावा ये अब रिवर है गाम्बिया रिवर, यहाँ से बह के जाती है। यहाँ पे ये ध्यान रखना कियांग वेस्ट नेशनल पार्क लोकेटेड है, सकूता है, जाओ है, जॉर्ज टाउन है, ये ठीक है। तो ये सब आपका गाम्बिया के अंदर लोकेटेड है। तो ये थोड़ा सा अब देशों के बारे में जैसे आपको ज़रूर से जानकारी होनी चाहिए, जैसे अभी फ़िलहाल के लिए ये जगह बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। कमेंट सेक्शन बताओ इस जगह का नाम क्या है, 1 करके टाइप करके बताना, यहाँ पे 2 टाइप करके बताना कमेंट सेक्शन में, तीसरा ये बताना मुझे, चौथा ये बताना, पांचवा ये बताना, ठीक है। जगहें बहुत न्यूज़ में हैं, प्लस जैसे मान लो इन वाटर बॉडीज़ को कौन सराउंड करता है पूरा जानकारी आपको होना चाहिए। इसके लिए ऑक्सफोर्ड एटलस, जैसे मैंने मेंटरशिप प्रोग्राम में जो मेल भेजा उसमें मैंने आपको बताया मैपिंग आपको कैसे करनी है, और मैपिंग में क्या चीज़ें मैं आपको कवर करके दूंगा, क्योंकि जनरली करंट अफेयर्स से ही मैपिंग आती है ज्योग्राफी की जो आ रही है, आज के 4-5 क्वेश्चन पिछली बार भी थे तो वो भी इसी से रिलेटेड थे। स्पीसीज को कैसे कवर करना है, तो वो कैसे सारी स्पीसीज का कंटेंट मेरे पास प्रोवाइडेड है, तो वो मैं आपको यूट्यूब में ही करा दूंगा, ठीक है। और जिन्होंने मान लो ज्वाइन नहीं किया है, तो इसमें आप ये नहीं सोचना कि आप मुझे अप्रोच नहीं कर सकते हैं या आप मुझसे कुछ बात नहीं कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप रैशनली सोचें जैसा आपको ठीक लगे, लेकिन जो जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है तो उसमें सारी जो चीज़ें मैं आपके लिए प्रोवाइड करूंगा, उसमें मैंने मेल किया, उस मेल को आप लोग जरूर से गो थ्रू हो जाना। तो ये ऑक्सफोर्ड एटलस भी फॉलो करते रहना, जो जगहें हम लोग डिस्कस करते हैं उसके कंटेक्स्ट में। कैबिनेट गिव्स नॉट टू पृथ्वी प्रोग्राम फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ पे पृथ्वी प्रोग्राम के ऊपर है
ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये अभी जून जनवरी 5 की न्यूज़ है, एम्पावरिंग टुमारो अर्थ साइंस। अभी पृथ्वी विज्ञान पृथ्वी स्कीम जो है लॉन्च की गई है। अब इसमें इतना करोड़ का जो है आपका इन्वेस्टमेंट है, फिर इसमें ये सब फोकस किया गया है, जैसे एटमॉस्फियर क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम, ओशन सर्विस मॉडलिंग एप्लीकेशन, रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी, पोलर साइंस जो पृथ्वी का वो हिस्सा जो बर्फ़ से जमा हुआ है क्रायोस्फीयर बोलते हैं, सिस्मोलॉजी, रिसर्च एजुकेशन ट्रेनिंग, तो ये सब चीज़ों को एक साथ जोड़ दिया गया। जैसे एटमॉस्फियर, समुद्र, पोलर रीजन, ठीक है, जैसे व्हेन यू टॉक अबाउट द पोलर रीजन, तो आप खुद सोचो कि जो पृथ्वी है इस पृथ्वी के अंदर क्या है। जैसे ये जो ये हिस्सा है तो ऊपरी हिस्सा आपका ये पोलर रीजन हो गया, ठीक है, जैसे ऊपरी हिस्सा ये पोलर रीजन हो गया, इसमें ही और एटमॉस्फियर है जैसे ट्रोपोस्फियर का है उसको स्टडी करना, पानी वाला जो इलाका है वहाँ पे ओशियन की स्टडी आपकी करना, फिर उसके बाद जियो साइंस मतलब जैसे अर्थक्वेक और पूरा जियोलॉजी है तो उसमें सिस्मोलॉजी और जियो साइंस वो इंक्लूडेड है, और फिर एजुकेशन ट्रेनिंग और आउटरीच इसमें, तो रीच आउट प्रोग्राम भी इसका हिस्सा है। इन सब को एक साथ कंबाइन करके पृथ्वी प्रोग्राम के अंदर पृथ्वी स्कीम के अंदर रखा गया। सो इसमें 5 एग्जिस्टिंग जो स्कीम्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की उसको साथ में इसमें इंक्लूड किया गया है, और इसमें मेनली एटमोसफियर का ऑब्जर्वेशन, ओशियन, जियोस्फियर, क्रायोस्फियर, सॉलिड अर्थ टू ट्रैक चेंज इन द प्लानट, इस सब चीज़ों को ऑब्जर्व करना, फिर वेदर को प्रिडिक्ट करना, ओशियन क्लाइमेट हैजार्ड क्लाइमेट चेंज को समझना, फिर पोलर और हाई सी रीजन कमेंट सेक्शन बताओ क्या है उसको एक्सप्लोर करना, फिर टेक्नोलॉजी डेवलप करना कि कैसे हम ओशन के रिसोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं, मैराइन रिसोर्सेज को हम कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो उसके लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करना और उसका कैसे सही से एप्लीकेशन हो सकता है उसको देखना, फिर अपने जो इंसाइट है उसको अर्थ सिस्टम को समझने के लिए और कैसे उस अर्थ सिस्टम का जो भी रिसोर्सेस है या उसके जो इम्पैक्ट को समझते हुए समाज में, एनवायरमेंट में और आर्थिक लेवल में बेनिफिट कैसे हम अचीव कर सकते हैं, तो ये भी फोकस किया गया है। इसका एक मेजर कंपोनेंट डीप ओशन मिशन भी है ओशन को स्टडी करने के लिए, जिसमें हम एक बहुत मैंड सबमर्सिबल मतलब इंसान को एक सबमर्सिबल मतलब एक पनडुब्बी टाइप होगी जो जमीन के बहुत मतलब 6,000 मीटर तक नीचे जाएगी और इंडियन ओशन रीजन में वो सारी चीज़ें स्टडी करेगी। पृथ्वी प्रोग्राम जो है इट ब्रॉडली सब्ज्यूम्स ऑल ऑफ आवर मेजर जो एक्टिविटी है उसको सारी जो है इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। इसके बाद क्या है कि जो भी रिसर्च डेवलपमेंट ऑपरेशन है इट विल बी कैरिड आउट बाय 10 इंस्टीट्यूट, ये इंस्टीट्यूट के नाम लिखे हुए हैं आप देख लेना, 10 इंस्टीट्यूट है जो कि इसमें आपके टोटल इंक्लूड रहेंगे इस प्रोग्राम के अंदर पूरा जो है दे विल बी पार्ट ऑफ इट, तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं नेवी थॉट हाईजेकिंग अटेम्प्ट इन अरेबियन सी, ये एक टॉपिक आपके लिए फ्रेम हो जाता है। तो यहाँ पे देखो ये एक न्यूज़ है, अब ये न्यूज़ पढ़ाने का काम मेरा नहीं है, यहाँ पे जैसे आपको बता दिया, अब हमारे लिए जो टॉपिक निकल कर आता है वो हमें समझना है। टॉपिक हमारे लिए क्या निकल कर यहाँ पे आता है वो जीएस पेपर 3 का मैरिटाइम सिक्योरिटी। अगर आप आई थिंक 2023 के मेंस में या 22 के मेंस में भी देखोगे क्वेश्चन मैरिटाइम सिक्योरिटी में पूछा गया था, तो मैरिटाइम मतलब समुद्र से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। तो जैसे अगर मैरिटाइम सिक्योरिटी को आपको समझना है, जैसे अगर आप ये देखो तो जैसे मान लो ये गल्फ ऑफ एडन, अब यहाँ पर यमन है, यमन में कौन है, हाउतीज़ हैं, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हाउतीज़ हैं, ये हमला हमला कर देते हैं फटाफट ईरान के कहने पे। फिर यहाँ पे देखो ये गल्फ ऑफ एडन है, बबल मंदेप है, रेड सी रीजन है, यहाँ से कोई ट्रेड होते हुए आ रहा शिप आ रही है तो उसमें हमला कर देना यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे मान लो 200 नॉटिकल माइल तक का जो इलाका है वहाँ तो जो सिक्योरिटी काम है वो कोस्ट गार्ड करेगा, इसके बियॉन्ड जो पेट्रोलिंग का काम है वो नेवी के द्वारा किया जाता है, तो अगर कोई हमला करेगा या जो भी ऐसी पायरेट्स आके पकड़ने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे फिर नेवी उनको रोकने का काम करती है, इंडियन नेवी की बात करें तो ये है। फिर यहाँ पे देखोगे तो ये जो रीजन है ये आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ है, फिर यहाँ से होते हुए आपका जो पर्शियन गल्फ रीजन बन जाता है, यहाँ डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट्स में जैसे ग्वदर है, इधर चाबहार पोर्ट की बात हम करते हैं, फिर यहाँ हम्बन टोटा पोर्ट है, फिर यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर है, ये रीजन इंपॉर्टेंट है जिसे हम कहते हैं मलक्का स्ट्रेट, सुंडा स्ट्रेट, लम्बोक स्ट्रेट, ये सब ऐसे एरियाज़ हैं, तो ये समुद्र बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो कन्फ्लिक्ट भी चल रहा है क्योंकि एक तरफ आपका इंडो पैसिफिक है जहाँ पे इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन इंक्लूडेड है, और एक तरफ खाली मतलब देखा जाए तो ये जो चाइना है वो कहीं ना कहीं इस पूरे रीजन में अपने प्रेजेंस को समुद्री लेवल पे अपने प्रेजेंस को बढ़ाना चाह रहा, अब वो भी फिर क्या है कि डिस्टर्बेंस बना रहा है इस रीजन के अंदर, कोई एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर ना बने तो उसके लिए भी वो ऐसा पायरेट्स और इन सबको स्पॉन्सर कर देता है। तो इंडिया ने कई सारे कदम उठाए हैं, ये पीआईबी से मैंने कंटेंट लिया है, कंटेंट आपका न्यूज़पेपर में नहीं, तो पीआईबी से कंटेंट मैंने आपके लिए लिया है। सो गवर्नमेंट हैज़ टेकन नंबर ऑफ मेजर्स, बहुत सारे लिए हैं इसमें, जैसे सिक्योरिटी के लिए हम अपनी कैपेसिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, फिर उसके बाद जैसे सर्विलियंस करना, पेट्रोलिंग करना, फिर उसके बाद सर्विलियंस करना,
नज़र बना के रखना, बहुत सारी एजेंसी उनके बीच में कोऑर्डिनेशन जो है वो बढ़ाना, जो एक्टिविटीज़ हैं समुद्री जो आपके एरियाज़ हैं वहाँ जो एक्टिविटीज़ उनको कैसे रेगुलेट किया जा सके, फिशिंग और कोस्टल कम्युनिटी का इंटीग्रेशन करना, फिर मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट इन इंडियन ओशन रीजन टू इन्हेंस मैरीटाइम सिक्योरिटी, ये भी एक है। तो यहाँ पर इंडियन नेवल शिप एयरक्राफ्ट आर रेगुलरली डिप्लॉयड ऑन मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट, मतलब बहुत सारे जो आपके शिप्स हैं या एयरक्राफ्ट्स हैं मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट इंडियन ओशन रीजन में किए जा सकते हैं। सो मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस जो है सर्विलेंस करना, मतलब मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस का इन द सेंस समुद्री जो एरिया है उसके जो एरिया है उसके प्रति अवेयरनेस जन रहना, फिर उसके बाद कोई भी ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशन आती है तो उसको कैसे एड्रेस करना, तो उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना। फिर हमने सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल अप्रोच भी फॉलो किया है कि जो भी समुद्री एरिया है वो सभी के ग्रोथ के लिए सही तरीके से जो इंडियन ओशन रीजन में देश उनके लिए इस्तेमाल हो सके। और इंडिया ने हमेशा एक प्रिफरेंट सिक्योरिटी पार्टनर के रूप में एक्ट किया है, इन द सेंस कि हमने अपने जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ मिलकर और कैसे समुद्री रास्ते को सेफ सिक्योर बनाया जा सके इस पर हमने काफ़ी जो है कार्य किया है। हमारी जो नेवी है वो भी रीजनल नेवीज के साथ कोऑपरेट करना इस पर भी फोकस किया है। फिर कई प्रकार के जो फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज़ हैं जिनके साथ हमारे रिश्ते अच्छे हैं उनके सामने जॉइंट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन सर्विलेंस पेट्रोलिंग साथ में करना ये है। फिर उसके बाद बाय एनुअल बेसिस अलॉन्ग द इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन मैरीटाइम एक्सरसाइज ये सब करना। इंडिया ऑल्सो एक्सचेंज मैरीटाइम इंफॉर्मेशन बायलेटरल विथ फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस जो इंडियन ओशन रीजन पे वो बढ़ाना ये सब देखना, ठीक है। तो इंडिया मैरीटाइम इंफॉर्मेशन बायलेटरली कैसे एक्सचेंज किया जाए, जो समुद्री इंफॉर्मेशन है उसको कैसे एक्सचेंज किया जाए विथ फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज, ठीक है, जो फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनके साथ जो देश हैं जो हम जिनके साथ हमारे रिश्ते अच्छे हैं तो उस पर भी हमने कार्य किया है। तो ये मैरिटाइम सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। फिर ये भी है कि इन्फॉर्मेशन आपका ऐसे जो कि हमारे लिए ठीक नहीं है उनके प्रति कि उनकी नेवी किस तरीके से काम कर रही है या फिर वो किस टाइप का रिस्क जो है वो कॉज कर सकते हैं, ये चीज़ है। फिर ये भी देखना कि मान लो एक थ्रेट हमारे देश के अंदर है दूसरा हमारे नेबरिंग देश के अंदर थ्रेट है तो वो थ्रेट एक दूसरा ये भी हो सकता है कि मान लो कोई कंट्री ए है वहाँ से थ्रेट अराइज हुआ और हमारे लिए वो नुकसान कर दे, तो ये जो ट्रांसनेशनल बेस्ड थ्रेट है उसको भी नज़र बना के रखना। इंडिया ने कई प्रकार के रीजनल जो फ्रेमवर्क हैं उनके साथ भी काम किया, जैसे एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन रीजनल फोरम ARF, ईस्ट एशिया समिट, एशियन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग, ये सब लेवल पे अगर देखा जाए तो रीजनल जो फ्रेमवर्क मतलब इंडिया जो रीजनल देश है उनके साथ भी एक ग्रुपिंग बना के फोरम बना के बातचीत करना कि कैसे हम अपने समुद्री सिक्योरिटी को इम्प्रूव और इंक्रीज कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जैसे ईरान है यहाँ चाबहार पोर्ट है, UAE के साथ इंडिया का कोऑपरेशन विथ इंडियन ऑयल रिजर्व, ओमान के साथ इंडियन नेवी यूज़ ऑफ पोर्ट ऑफ दुकम जो ओमान का पोर्ट दुकम करके यहाँ लोकेटेड है, ओमान देश है। सेचिलीज में इंडिया बेस ऑन एजम्पशन आइलैंड्स, ये प्रोविजन ऑफ पेट्रोल बोट ट्रेनिंग पेट्रोल बोट है पेट्रोल बोट। मॉरिशस की बात करें वहाँ भी कम्युनिकेशन नेवल की कम्युनिकेशन, मेडागास्कर यहाँ भी नेवल कम्युनिकेशन नेविस के बीच का कम्युनिकेशन। रीयूनियन आइलैंड जो फ्रांस का है ये परमिशन फॉर इंडियन नेवी टू यूज़ बेस। श्रीलंका में जो पेट्रोल बोट है, मालदीव्स में अभी सरकार बदल गई है तो एक अलग ही इसका क्या है इसका भी कुछ आइडिया नहीं है। फिर डियागो ग्रासिया आइलैंड जो है यहाँ लोकेटेड है, अंडमान निकोबार, कोकोज आइलैंड ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, इनमें इनके साथ हम जॉइंट पेट्रोलिंग करते हैं, मलेशिया, थाईलैंड, म्यांमार। तो यहाँ पे सितवे पोर्ट का कंस्ट्रक्शन की हमने बात की, यहाँ सितवे पोर्ट लोकेटेड है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखना, ये सारे डायमेंशंस आपके माइंड के अंदर होने चाहिए व्हेन वी टॉक अबाउट द मैरीटाइम सिक्योरिटी, समुद्री सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं तो ये सब जो आस्पेक्ट है वो हमारे अंदर एकदम से क्लियर होने चाहिए कि अच्छा ये चैलेंजेस जो है वो देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। ऐसे टॉपिक देख लो, डार्कनेस कैन नॉट ड्राइव आउट डार्कनेस, ओनली लाइट कैन डू दैट, हेट कैन नॉट ड्राइव आउट हेट, ओनली लव कैन डू दैट, ये 1000 वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। एग्रीकल्चर ऑप्शनल की क्लासेस ऑलरेडी कल से स्टार्ट हुई हैं, आप क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं। सौरभ पांडे UPSC.com वेबसाइट पर जाना है, उसमें आप चाहें तो एग्रीकल्चर ऑप्शनल ज्वाइन कर लें। अभी जो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज का 12वां टेस्ट इस संडे को शेड्यूल्ड है, आज इसका 50% ऑफ है। प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम का मैंने मेल कर दिया है आपको, ठीक है, सारी डिटेल क्या हम सोर्सेस फॉलो करेंगे सारी चीज़ें हैं। तो जो ज्वाइन नहीं किया और प्लान कर रहे हैं तो आप ज़रूर से ज्वाइन करें। मैं एक वीडियो भी आपको मेंटरशिप से रिलेटेड कि क्या क्या चीजें हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल के लिए जो जनरल इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है कि जो सोर्सेस मैंने आपको मेल किए हैं उन्हीं पर हम काम करेंगे और कोई किताब उठाएंगे उसको भी हम रिवीजन करेंगे और कई प्रकार के प्रीलिम्स के ट्रिक्स हैं
उन पर भी कार्य करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे जैसे आप लोग करोगे सेशन यू विल अंडरस्टैंड। एग्रीकल्चर ऑप्शनल ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, ये जो प्रीलिम्स करंट अफेयर्स एडवांस करंट अफेयर्स का 50% ऑफ वाला ये आज ऑफर एक्टिव है, ये मेंटरशिप प्रोग्राम है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको मेल कर दी, जिन तक मेल नहीं पहुँचा है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आई थिंक 70% बच्चों ने जिन्होंने ज्वाइन किया उन्होंने मुझे मेल किया हुआ है, जिन्होंने नहीं किया तो आप मुझे मेल भेजें इसमें, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया तो वो भी अपना ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे भेज दी, हर इन्फॉर्मेशन पे मैंने बता दिया है कि आपको कैसे प्रोसीड जो है करना है, किस तरीके से क्या सोर्सेस फॉलो करने हैं, किन चीज़ों को मेरे द्वारा कवर किया जाएगा और किन सोर्सेस को देखना है, ठीक है। ये बता दिया, ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। सौरभ पांडे UPSC.com वेबसाइट पे आपको डेली के करंट अफेयर्स प्लस मैगजीन एंड एवरीथिंग यू कैन सी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, सेशन को जरूर से लाइक करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।